एक बार लगा दो, और इस ब्रुसेला वैक्सीन के लिए तो वो 3-4 बातें सीधी कहता है, तो मैं किसी के टक्कर नहीं मारूंगा, तो मेरे मालिक के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? या भैंसों को काटने वाले में दे देते हैं, वो कह रहा है जिसमें मेरा फायदा है, जिसमें मेरे मालिक का फायदा है। हम पशु डॉक्टरों से कहता है वो कि भाई खुद तो दो और वो भी चुपड़ी, अरे मन ने सुखी भी कोनी। पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञान वर्धन एवं पशुधन का उत्थान। आज हमारा विभाग ब्रुसेलोसिस वैक्सीन जो है उसका आगाज किया है। अब कुछ पशुपालकों के मन में इस तरह के सवालात रहते हैं कि ये ब्रुसेला बीमारी क्या है, ये वैक्सीन क्या है, कैसे लगेगी, कैसे काम करेगी, कितना इस वैक्सीन लगाने के बाद में उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इन सभी बातों पे जो पशुपालकों के आम सवाल हैं, तो एक जागरूक पशुपालक हमारे साथ हैं, उनके जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या है? मतलब ब्रुसेलोसिस। हाँ, देखो ब्रुसेलोसिस क्या है कि एक डेविड ब्रूस नाम का वैज्ञानिक था, उसने ये सबसे पहले खोजी। ब्रुसेला बीमारी गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, सुअर में, कुत्तों में, इनमें होती है। और जो इस बीमारी का कारण है वो एक जीवाणु है जिसका नाम ब्रुसेला है। और इस ब्रुसेला की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जैसे आपके धान है, धान की अलग अलग वेराइटी है, तो ब्रुसेला की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। तो जो ब्रुसेला अबोर्टस प्रजाति है वो गाय और भैंस के अंदर बीमारी पैदा करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो ब्रुसेला मेलिटानसिस है, जो बकरियों के अंदर बीमारी करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गाय भैंस के अंदर ब्रुसेला अबोर्टस जो बीमारी करता है वो खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक है। अब हम इन जो ब्रुसेला की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, इन प्रजातियों में जब हम भाई कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, तो उसमें ब्रुसेला मेलिटानसिस जो है वो ब्रुसेला अबोर्टस की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। इस बीमारी के अंदर वैसे दिखने में पशु आपको स्वस्थ दिखता है, तो पशु मालिक सोचता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो जीवाणु है, हर एक कीटाणु का अपना एक रहने का स्थान होता है, तो इस जो कीटाणु है इसका जो शरीर में सबसे अच्छा रहने का स्थान जो है, जहाँ इसको बढ़िया भोजन मिलता है, वो जो मादा है उसमें तो उसकी यूट्रस जो बच्चेदानी है, और जो नर है उसमें उसके टेस्टिस हैं। तो इसको जो जीने के लिए जो मतलब खाद्य पदार्थ चाहिए वो वहाँ मिलता है। तो अब क्या है कि दिखने में पशु ठीक है, हमारी गाय भैंस ठीक है, लेकिन जैसे ही गाय और भैंस गैबिन होगी, गैबिन होते ही ये क्या है कि उस यूट्रस में शिफ्ट हो गया, और 5 या 6 महीने के बाद जो, क्योंकि हमने पशुओं के गैबिन पीरियड को क्या कर रखा है, 3 हिस्सों में बांट रखा है। भाई गाय 9 महीने में ब्यावे, भैंस 10 महीने में ब्यावे, तो शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट वाले 3 महीने। तो जो लास्ट वाले 3 महीने हैं, मतलब ये कहो कि 6 महीने के बाद, 6 महीने से ज़्यादा गैबिन जो पशु हो गया, उस पशु के अंदर ये जो ब्रुसेला है ये मतलब बच्चा फेंकवा देता है, मतलब उस पशु का गर्भपात हो जाता है। अब इतना आप लोग पशु रखते हो जानते हो, जब पशु में गर्भपात हो गया तो पशु क्या हो गया, दूध पे नहीं, क्योंकि 6 महीने 7 महीने 8 महीने का गैबिन पशु होगा दूध पे नहीं आएगा, तो सीधा तो दूध का लॉस। दूसरा, जब 6-7 महीने का पशु बच्चा फेंक देगा, अबोर्शन हो जाएगा, तो अबोर्शन हो जाएगा तो उसकी जेर नहीं पड़ेगी, जेर नहीं पड़ेगी तो आपको जेर निकलवानी पड़ेगी, जेर निकलवानी पड़ेगी तो एक इन्फेक्शन तो पहले ही था, और अगर मान लो जेर निकालने वाले बंदे ने सावधानी नहीं रखी तो एक इन्फेक्शन आपने बाहर से दे दिया तो अंदर रेशा हो गया, तो पशु क्या है कि दूध भी नहीं देगा आगे, मतलब वो उसका उस ब्यांत में उसका बच्चा भी मर गया और जेर भी अटक गई, तो आपका ट्रीटमेंट का खर्चा तो बड़ा ही बड़ा। और आपका एक बढ़िया, अगर मान लो आज के टाइम में अच्छी नस्ल का टीका भरवा रखा हो, आपने तो टीका अच्छा भरवा लिया, लेकिन अगर उस मादा के अंदर ब्रुसेला बीमारी है तो वो टीका ठहर भी जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद के अंदर वो पशु है वो बच्चा फेंक देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तो है पहली बार, एक बार तो बच्चा फेंकेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि पशु बच्चा नहीं फेंकता, अगले ब्यांत के अंदर वो दोबारा गैबिन रह जाएगा, लेकिन बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, जेर नहीं पड़ेगी, दूध जो है पशु पीक पे नहीं आएगा। तो वो पशु ब्रुसेला जो पॉजिटिव पशु है,
जिसके अंदर ये रोग हो गया वो पशु आपको एक बार तो बच्चा फेंक के नुकसान देगा और अगले ब्यांतों के अंदर हर बार कमजोर बच्चा पैदा करके हर बार उसकी जेर निकलवानी पड़ेगी। ये मतलब वो आपके लिए घाटे का सौदा है। पर वो बीमारी बच्चे में भी होगी? फिर बच्चे में तो होगी होगी, सबसे बड़ी बात है ये बीमारी उस पशु से आदमी में भी आ जाती है। जैसे मान लो दूध के थ्रू तो आती है, उसके बाद में जो जेर है जेर के अंदर वो कीटाणु होते हैं। तो जैसे अगर मान लो निकालने वाला बंदा है, जेर निकालने के लिए जो भी आया, अगर उसने दस्ताने नहीं पहन रखे या दस्ताने फट गए, या कई बार गांव के अंदर लोग जो हैं वो अपने आप ही जेर को खींच लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भेड़ बकरी के अंदर जो ब्रुसेला मेलिटांसिस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और भेड़ बकरियों के अंदर क्या है कि ये झुंड में रहने वाले पशु हैं, तो जो झुंड में रहने वाले पशु हैं तो पशु मालिक जो उनका जो गडरिया है वो जनरली क्या है कि इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है कि वो अपनी बकरी के अंदर जो बच्चे फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर नहीं बुलाता और ना वो ग्लव्स इस्तेमाल करता, तो वो क्या है कि खुद ही उनको निकालने की कोशिश करता है। तो जो खेतों में पूरे दिन घूमते हैं, घास पाटते हैं, हाथ में क्रैक्स भी हैं, तो उनसे वो बीमारी उनके अंदर आ जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। और ठीक इसी तरह अगर एक डेयरी फार्म में एक पशु पॉजिटिव है और वो उसने बच्चा फेंक दिया, या मान लो आप कहीं से खरीद के लाए, पहली बार बच्चा उसने किसी के घर फेंक दिया और आप ले आए, आपको पता नहीं है, आपके वो बच्चा तो नहीं फेंकेगा लेकिन उसकी जेर अटक जाएगी। जब जेर अटकेगी तो आप किसी को बुलाओगे तो वो जेर गेड़ेगी, मेला गेड़ेगी, वो वहीं पड़ा रहेगा, तो उससे इन्फेक्शन जो है आपके दूसरे पशु में चला जाएगा। तो जो आपका दूसरा पशु ठीक था उस पशु के अंदर वो ब्रुसेला हो गया। अब वो पशु जो अगर मान लो गाभिन हो गया, तो गाभिन होते ही वो 5-6 महीने बाद में वो पशु बच्चा फेंक देगा। उसके बाद में बच्चा फेंक दी, वो इन्फेक्शन, वो जेर जो है वो दूसरे पशु में, और इस तरह करते 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 आपका पूरा जो डेयरी फार्म है या एक पशुपालक के 5-6 जितने भी पशु हैं सारे पशु उसकी चपेट में आ जाएंगे। और ये मतलब मीठा जहर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका फार्म जो है ना पूरा ब्रुसेला पॉजिटिव हो गया। और जो समझदार पशुपालक है या जो समझदार पशुओं का खरीदार है या जो समझदार डेयरी फार्मर है वो आपके पशु को खरीदेगा ही नहीं। और जो ब्रुसेला पॉजिटिव पशु है, आज चाहे बेशक आपका पशु 1 लाख रुपए का है, लेकिन अगर वो ब्रुसेला पॉजिटिव हो गया, अरे पता चल गया तो काटने के लिए ले जाता है ना, वो भी आपको पशु की कीमत नहीं देगा। जब एक डेयरी फार्म के मान लो 10-15 पशु है, अरे सारों में ऐसी स्थिति हो जाती है तो डेयरी फार्म पूरा का पूरा फेल हो जाता है। ये सबसे बड़ा लॉस है। डॉक्टर साहब, जब ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो हम अपने पशुओं का बचाव कैसे करें इससे? इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन आप दो तरीके से बचाव कर सकते हो उसका। कैसे? नंबर एक, आपके जो पशु हैं उनका खून का सैंपल हम लेके और आपका हमारे जो जिला स्तर पे जिला रोग निदान प्रयोगशाला है उनके ऊपर मुफ्त में टेस्टिंग होती है। खून सैंपल लिया हम वहाँ दे देंगे और वो उसका टेस्ट करके रिपोर्ट बता देंगे कि आपके पशुओं में बीमारी है या नहीं। अगर आपके पशुओं में बीमारी नहीं है तो आप अभी तक के लिए तो बचे हुए हो। दूसरी बात, जब आपको कोई पशु खरीद के लाना है, चाहे कितना ही सुंदर पशु हो, चाहे कितना ही बड़ा फार्म हो, लेकिन आप उस पशु को खरीदने जब आपको पसंद आ गया और आपने उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, तो आप घर में लाने से पहले उस पशु को एक खून का सैंपल हमारी प्रयोगशाला जो भी है पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पर है, 22 प्रयोगशालाएँ हमारी है, तो उनके अंदर जिला स्तर पर टेस्ट करवाने के बाद में जब ब्रुसेला नेगेटिव है तो ही आप उस पशु को लाओ, चाहे बेशक वो कोड़ियों के भाव देता हो। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी आपकी कटड़ी या अगर गाय है तो बछड़ी 4 से 8 महीने की उम्र के बीच की है, 4 से 8, ठीक है, इनके लिए ब्रुसेला वैक्सीन भी है। तो अगर आपने 4 से 8 महीने की कटड़ी या बछड़ी की वो वैक्सीन लगवा ली, वो टीकाकरण करवा लिया, तो उस पशु में पूरी जिंदगी ब्रुसेला बीमारी नहीं होगी। ये टीका पूरी जिंदगी उस पशु को इस बीमारी से बचाएगा। मतलब एक टीका 4 से 8 महीने की उम्र में उस पशु को लगा देंगे तो वो पशु पूरी जिंदगी ब्रुसेला से प्रभावित नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने जो ये टीका बताया है
हमने तो इतनी उम्र में कभी नहीं देखा ये। ये बात भी ठीक है, ये तो सरकारों के प्रयास है। अब क्या है कि भारत सरकार ने NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुंह खुर और ब्रुसेला इन दो बीमारियों के लिए जो टीकाकरण है वो भारत सरकार की तरफ से सभी प्रदेश सरकारों को दिए जा रहे हैं। और पहली बार इस स्कीम के अंदर मुंह खुर के टीके तो लगते रहे हैं लेकिन ब्रुसेला का टीका पहली बार इतने व्यापक स्तर पर दिया गया। तो इसके अंदर हरियाणा सरकार ने, हमारे पशुपालन विभाग ने इस टीकाकरण के लिए सारी प्लानिंग कर ली और पूरे हरियाणा में 5 लाख जो 4 से 8 महीने की कटड़ियां और बछड़ियां हैं, जो हमारी पीछे जो पशुगणना हुई उसके अंदर इतना दायरा था, इतनी वैक्सीन हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी, उन्होंने ये वैक्सीन हमें प्रोवाइड करवा दी और वैक्सीन हमारे हॉस्पिटलों में आ गई। अब हम 16 तारीख से और 31 तारीख तक 15 दिनों में ये टीकाकरण जो है वो इन 4 से 8 महीने की बछड़ियाँ और कटड़ियाँ, केवल मादा पशु में, नर पशु में नहीं होगा, इनमें हम ये टीकाकरण करेंगे। डॉक्टर साहब, फिर ये टीकाकरण घर घर होगा? नहीं, ये टीकाकरण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये बीमारी जूनोटिक है, मतलब पशुजन्य रोग है, मतलब पशुओं से आदमियों में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये जूनोटिक बीमारी है तो इसका जो टीकाकरण है, जो जीवाणु इस टीके के अंदर है वो भी जिंदा रूप में है। इसलिए अगर हम घर घर जाने लग गए तो अगर किसी भी तरह से कोई गलती हुई मतलब जीवाणु है ये समाज में आ जाएगा। इसलिए इसको लगाने के समय हम खुद मतलब डांगरी या एप्रन पहनते हैं, हाथों में दस्ताने लगाते हैं, आंखों के ऊपर गोगल्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर लगाते समय अगर मान लो, क्योंकि हम दिन रात काम करते हैं, सुई लग जाती है कई बार और चोट लग जाती है, कई बार पशु को दवाई देते हैं तो चोट लग जाती है, अगर हम नंगे हाथों से इसको लगाएंगे तो हमारे भी आ जाएगी। ये 4 से 8 महीने की कटड़ियों में या बछड़ियों में लगना है। अब घर घर जाओ आप तो सब घरों में ये पॉपुलेशन नहीं है। 4 से 8 महीने वाला जो कटड़ी है या बछड़ी है उसको मालिक एक जगह ला भी सकता है। ये टीका एक बार लगना है पूरी जिंदगी में, तो ऐसा तो है नहीं कि मुंह खुरकल गुटू की तरह कि इसको बार बार आपको हर 6 महीने बाद में दोबारा लगवाना है, तो एक बार लगवाना है। 4 से 8 महीने की कटड़ी है और पूरे गांव के अंदर हमने ये कर लिया, भाई छोटा गांव है तो एक जगह हम मुनेदी करवा देंगे, सारे लोग अपनी कटड़ियों बछड़ियों को वहां ले आएंगे और फटाफट लगा देंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम टीकाकरण करते हैं, अब गर्मी का महीना है तो हम क्या चश्मा लगा रखे हैं, गूगल से लगा रखे हैं और दस्ताने पहन रखे हैं, डांगरी पहन रखी है, गमबूट पहन रखे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पसीनम पसीन हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि अगर मान लो हम 10 घर जा रहे हैं, एक कटड़ी मिल रही है, तो टाइम की बर्बादी है। और जब ये काम करेंगे ना हम कुछ खाना पीना खा सकते, ना हम पानी पी सकते, ना हम मोबाइल उठा सकते, तो फिर क्या होता है कि जो दूसरे जमींदार हैं जिनके कोई पशु बीमार है, कोई और है, तो उन लोगों को हम मतलब सुविधाएं नहीं दे पाते। इसलिए हम इस वैक्सीन को 7:30 जो हमारा टाइम है तब शुरू करेंगे और 10-1 बजे तक हम एक जगह ही बुला लेंगे। ओके, गांव में। गांव में, और जो बड़ा गांव है, बड़े गांव के अंदर हम ऐसा करेंगे कि जो मान लो जहां पशु ज्यादा है, तो मान लो कोई चौपाल है या कोई सांझी जगह है वहां चले गए, उस एरिया वाले हमने वहां कर दिए, और मान लो इस एरिया वाले जो है उस साइड एक टीम लगा दी वहां कर दिए। तो इस तरह हम कवर कर देंगे ताकि पशुपालक को जो है वो अपनी कटनियां बछड़ियों को ज्यादा दूर तक ना ले जाना पड़े, लेकिन इफेक्टिव तौर से करना। क्यों? क्योंकि जो सुई लगी है, जो ग्लाउज है, जो सिरिंज है, वो उनके अंदर भी तो वो कीटाणु जो जीवाणु है, तो हमें उनको भी मतलब डिस्कार्ड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है उसके अंदर हम वो सुई लगाई और वो सुई उसके अंदर डाल दी, और वो जो सिरिंज है सिरिंज भी डाल दी, सारा डाल दिया। और मान लो जब टीकाकरण खत्म हो गया तो दस्ताने भी उसमें डाल दिए, ताकि जो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत कोई एक एक बूंद उसके ऊपर लगी है वो सारी उसके अंदर डाल दें और वो जो बैक्टीरिया है, वो जीवाणु है, वो उसके अंदर मर जाए, समाज सोसाइटी में ना जाए, जो 4 से 8 महीने की बछड़ियाँ और कटड़ियाँ हैं उनके ये वैक्सीन लग जाए। ठीक, फिर डॉक्टर साहब, कटड़ियों के टीका लगने के बाद हमें क्या सावधानी रखनी है उनकी?
अच्छा, इसमें क्या है कि आपने जैसे हम कटड़ी का टीका लगाते हैं, तो ये क्या है कि खाल के अंदर लगता है, तो कई बार क्या है कि खाल में लगेगा 2 ml दवाई लगती है तो उसमें थोड़ी सी गांठ बन जाती है, तो मालिक क्या करता है कि उसको रगड़ने की कोशिश करता है, एक आदत है भाई टीका लगाओ मालिश करो, आपको मालिश नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि आप मालिश करोगे तो जहां से सुई लगी है वहां उस हड़के से सुराख में थोड़ी बहुत वो दवाई वापस आ सकती है, तो उस दवाई में जिंदा बैक्टीरिया है तो आपके हाथ के लग सकता है, तो आपको वहां मालिश नहीं करनी है, तो एक तो आपको ये सावधानी रखनी है। दूसरी बात, टीका लगने के बाद में हो सकता है कि 1-2% कटड़ियों के अंदर बुखार आ जाए, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, तो बुखार जब आ जाए तो आप हमारी टीम में या जो भी आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसको आप फोन करके संपर्क कर लो, उसका निदान हो जाएगा, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आदमियों को हो जाए तो उसके क्या लक्षण है? देखो सवाल तो आपने पूछ लिया, हालांकि ये मेरे क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि ये तो देखो जो मेडिकल डॉक्टर है, जो MBBS है, उनका दायरा है, लेकिन चलो मैं एक मतलब क्योंकि ये चीज़ पढ़ी हमने भी है, तो मैं जो पोर्शन मैंने पढ़ा है उतना उतना बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर मतलब पशुओं के साथ काम करने वाला कोई भी जो आदमी, जो पशु मालिक है और उसके पशुओं में ब्रुसेला बीमारी है और उसको उस पशुओं से वो बीमारी हो जाती है, तो इसमें क्या होगा कि बुखार जो है ना वो आएगा, तेज़ बुखार आएगा, फिर उतर जाएगा, फिर आएगा, फिर उतर जाएगा, फिर आएगा, फिर उतर जाएगा, मतलब एक तरंग बनती है, एक वेव बनती है, तो इस तरह मतलब बुखार आया उतर गया, बुखार आया उतर गया, जनरली गांव में क्या है, बुखार आया गोली ले ली उतर गया, फिर ले लिया, 5-7-10 दिन आप गोली लेते रहे तो बुखार उतर गया, बाद में आएगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप सोचोगे ठीक है, तो होता क्या है कि वही बात है कि ये जो है ना जो जननांगों के अंदर चला जाता है, अगर ये लेडीज में चला गया तो वो लेडीज में बांझ बना सकता है, उनमें भी अबॉर्शन कर सकता है, और जो अगर नर में चला गया तो उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, तो इसके अंदर भी जो है ना टेस्टिंग होती है, मतलब जो भी कोई अगर मान लो किसी को संदेह है कि भाई मैं इतने पशु रखता हूँ और मेरे भी ये दिक्कत हो सकती है, तो वो भी अपना खून का सैंपल टेस्ट करवा सकता है, प्राइवेट लेबोरेटरीज है वो तो करती है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ मुझे पता नहीं कि ये टेस्टिंग होती या नहीं है, लेकिन इसके अलावा जब लंबे समय तक ये चलता रहेगा तो इसके अंदर घुटनों में, जोड़ों में मतलब दिक्कत आती है, आदमी को कमजोरी महसूस होती है, थोड़ा सा काम करता है उसको थकान होने लग जाती है, ये दिक्कत जो है वो आदमियों में आती है। और एक चीज़, इसका इलाज है, लेकिन इसका इलाज TB की तरह है, 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक साथ चलती है और 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, इसलिए आपने 4-8 महीने की कटड़ियों के टीके लगवा लिए और आज 4-8 वाले के लग गए, जिंदगी में एक बार लगने हैं, हम 4 महीने बाद फिर लगाएंगे, इनके नहीं लगाएंगे, 4 महीने बाद में जो और कटड़ियाँ आएगी उनके लगाएंगे, फिर अगले 4 महीने बाद में जो नई कटड़ियाँ आ जाएगी उनके लगाएंगे, मतलब साल के अंदर 3 बार हम ब्रुसेला के टीके लगाएंगे 4-8 महीने की कटड़ियों के। तो आज से हमने, ठीक है लेट शुरू हुआ, आज़ादी 47 में आ गई, वैक्सीनेशन आज आई है, कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अगर आज भी हम जाग गए, आज भी हमने अगर हमारे पशुओं के ये वैक्सीनेशन हमारी कटड़ियों के आज स्टार्ट कर दी, तो यही तो कटड़ियाँ आगे जाके माँ बनेगी, भैंस बनेगी, गायें बनेगी, तो धीरे धीरे हम इन सबको करवा लेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि, और सरकार का टारगेट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि 2030 तक हमें ब्रुसेला फ्री कर देना है पूरे भारत को, तो 10 साल लगातार ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा, तो जो बूढ़ी भैंसे हैं वो तो नेचुरल डेथ हो जाएगी उनकी, और जो नई है उनके अंदर हम वैक्सीन कर देंगे, और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, एक बार लगाओ पूरी जिंदगी उनको इम्यूनिटी मिलेगी, तो हम 2030 तक इस टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं, बस हम लगाने के लिए तैयार हैं, पशु तैयार हैं, आपकी जरूरत है। ठीक है, आपने तो बहुत सवाल पूछ लिए। ठीक है डॉक्टर, एक 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 जो चीज़ मैंने पर्सनली फील करी है, कई बार ऐसा लगता है, देखो पशु अनबोल है, उसको नहीं पता, ठीक है, वो जिसके खूंटे पे बंध गया उसके हिसाब से उसका भविष्य तय होता है। अगर मान लो एक पशुपालक आप हो, अगर आप पशुओं के टीका लगाना चाहते हो
तो उस पशु के टीका लग जाएगा, और अगर आप पशु के टीका नहीं लगाना चाहते तो उस पशु के टीका नहीं लगेगा। अब एक बड़ी विचित्र मतलब बात जो हम हमारे सामने आती है, और इसी वजह से पशुओं में विज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रही, क्या कि दवाई जो बनी है या वैक्सीन जो बनी है वो ना तो आपके लिए है और ना मेरे लिए है, वो किसके लिए है? वो पशुओं के लिए है। तो हमें उसकी राय को उसके बीच में लाना चाहिए। पशु की तो कोई सुड़ता नहीं है, हम तैयार हैं, और मालिक जब तैयार नहीं होता तो पशु रह जाता है। तो मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल उस पशु मालिक से है कि बेजुबान पशु है, वो बोल नहीं सकता, और वो क्या उसके जो पूर्वज थे वो भी कभी नहीं बोले, और जो आगे उसकी पीढ़ियां आएगी वो भी कभी नहीं बोलेगी, लेकिन वो हमसे कहता है, हम पशु डॉक्टरों से कहता है वो कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ कि मेरा जो पशु मालिक है उसके पशु का मैं बेटी हूं, और मेरी माँ मेरा भी पेट भरती है और मेरे पशुपालक के पूरे परिवार का भी दूध से पेट भरती है, और जब कोई कोरोना जैसी बीमारी आती है तो मेरा मालिक खुद अपने परिवार की सबके टीकाकरण करवा देता है और बूस्टर डोज भी लगवा देता है। मतलब एक वो देसी कहावत है ना कि भाई खुद तो दो और वो भी चुपड़ी और मन ने सुखी भी कोनी। तो वो पशु जो है वो हमसे ये कहता है कि भाई हमारा टीकाकरण क्यों नहीं, अबॉर्शन होता है तो उनका तंग वो पाते हैं, जेर उनकी नहीं पड़ती, जब वो दूध नहीं देता तो उसको छोड़ देते हैं गायों को या भैंसों को काटने वाले में दे देते हैं, प्रताड़ित वो होते हैं। तो वो ये सवाल पूछते हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उस पशु की पीड़ा है, वो बोल के कभी भी नहीं कहेगा आपको, ये उस पशु मालिक को समझना है। और इस ब्रुसेला वैक्सीन के लिए तो वो तीन चार बातें सीधी कहता है कि भाई एक बार लगनी है मेरे तो, एक बार लगा दो, दूसरी अरे मैं इतना बड़ा पशु नहीं हूं, मैं तो 4 से 8 महीने का हूं, मैं अगर मुझे आप ले जाओगे ना तो मैं किसी का टक्कर नहीं मारूंगा, मैं आसानी से चला जाऊंगा, अब तो ले जाओ। और तीसरा वो ये कहता है कि अगर जिसमें मेरा फायदा है भाई उसके अबॉर्शन नहीं होगा, उसको फायदा है अबॉर्शन, वो कह रहा है जिसमें मेरा फायदा है, जिसमें मेरे मालिक का फायदा है और डॉक्टर लगाने के लिए तैयार है, तो मेरे मालिक के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती। ये वो सवाल है, उसका जवाब क्या है, आप जवाब दे दो। जवाब यही है फिर लगवाएंगे। ओके ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाते हुए साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले सीधी आपके पास पहुंचे।